हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 23 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिम्प्टोट्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एसिम्प्टोट्स यानी कि अनंत स्पर्शी, मतलब ऐसी लाइंस या ऐसी लाइंस की इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं जो कि किसी इक्वेशन गिवन इक्वेशन को इनफाइनाइट पे जाके टच कर रही हो। जैसे कि सपोज हमारे पास एक कर्व है इस तरह का और एक ये इस पे 2D ग्राफ पे इस तरह का कोई कर्व है सपोज। अब हमें एक लाइन इस तरह से निकालनी है यहाँ पे जो इस कर्व को टच तो कर रही हो बट वो कहाँ पे कर रही हो, इनफाइनाइट पे जाके। और वो लाइन जो होनी चाहिए वो ओरिजिन से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। यानी कि एक एसिम्प्टोट्स क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर है और जो किसी गिवन कर्व, जो कर्व जिसकी एसिम्प्टोट्स है उसको इनफाइनाइट पे जाके टच कर रही हो, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं एसिम्प्टोट्स। अब फ्रेंड्स, एसिम्प्टोट्स को निकालते कैसे हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं वो हम पढ़ते हैं इसमें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज वाई बराबर एफ एक्स कर्व दिया हुआ है, तो एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए फर्स्ट जो रूल है हम देखते हैं उसके कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म। अब सपोज कि हमारे पास वाई बराबर एफ एक्स और ये इस तरह से है a0x^n+a1y1x^n-1. कुछ इस तरह से टर्म चलती हुई लास्ट टर्म जो है जैसे a1y^n(x+a2y^n) और ये इस तरह से है और प्लस सपोज कि a3y^n+1x। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंडीशन में कोई हमारे पास एक रूल फॉलो हो रहा है, इसमें जरूरी नहीं है रूल फॉलो हो रहा है या एक्स एन है या एक्स एन है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स की पावर जो है हाईएस्ट एन है और इसमें वाई की पावर एन प्लस वन है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसमें एक्स की पावर एन का जो कोफिशियंट है वो क्या है। तो अगर इसमें हम देखें एक्स पावर एन का कोफिशियंट, तो यहाँ से एक्स पावर एन का कोफिशियंट आ जाएगा हमारे पास a0+a1y(x^n) यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इधर से देखें तो यहाँ पे y की पावर n का n प्लस वन का कोफिशियंट क्या आएगा, a3y^(n+1)। तो अगर इस कंडीशन में अगर कोफिशियंट सपोज कि कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे a3 कांस्टेंट है, तो इस केस में इसका जो इसके करस्पोंडिंग कोई भी एक एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। बट यहाँ पे इसका कोफिशियंट क्या है, a0+a1y, यानी कि कोफिशियंट इसका कुछ है जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, a0+a1y इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास y बराबर -a0/a1 इसका एक एसिम्प्टोट आ जाएगा। यानी कि जो हाईएस्ट कोफिशियंट है उन टर्म को 0 के इक्वल पुट करना है। अगर वो टर्म कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में उसकी वहां कोई एसिम्प्टोट नहीं होगी, यानी वो जो एसिम्प्टोट होगी अगर इससे इसके कोफिशियंट को हाईएस्ट कोफिशियंट को 0 के इक्वल पुट करने पे जो कोफिशियंट आती है वो, सपोज कि हम यहाँ पे एक्स के कोफिशियंट को पुट कर रहे हैं तो वाई बराबर ये आ रहा है हमारे पास, वाई बराबर ये लाइन, हो सकता है नीचे की लाइन हो ये, क्योंकि नेगेटिव है नीचे की लाइन है। तो यानी जब वाई के कोफिशियंट को हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो हमें एक्स के पैरेलल एसिम्प्टोट आएगी, और अगर हम एक्स के हाईएस्ट कोफिशियंट, सॉरी वाई के हाईएस्ट कोफिशियंट को 0 के इक्वल पुट करें और उसका जो कोफिशियंट है वो कांस्टेंट ना हो यानी कुछ एक्स की टर्म में हो, तो हमारे पास उस कंडीशन में वाई के पैरेलल एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्प्टोट आएगी। तो इस तरह से हम इसकी एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं। ये तभी है जब हमारे पास ये पावर और ये पावर कुछ, मतलब ये मैं नहीं कि सभी एसिम्प्टोट्स यहाँ से निकल आई, नहीं, लेकिन कुछ एसिम्प्टोट्स यहाँ से निकल आ चुकी है। अब बाकी एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
बाकी एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए फ्रेंड्स हम करते हैं, जैसे सपोज इसमें x का हाईएस्ट कोएफिशिएंट क्या है, x की पावर n, और इधर अगर हम देखें तो y की पावर n प्लस 1। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन में x y बराबर mx प्लस c पुट करते हैं। जब y बराबर mx प्लस c पुट करते हैं तो यहां से हमारे पास x की पावर n की कोएफिशिएंट आ जाएगी, क्योंकि y की टर्म हमने सब कुछ x में चेंज कर दी। तो यहां से हम जब चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास दो टर्म आती है, यानी जो हाईएस्ट पावर की दो टर्म होंगी, यानी कि लास्ट की पावर मतलब x की पावर की जो दो हाईएस्ट टर्म होंगी, जैसे सपोज यहां पे इसमें आएंगी x की पावर n प्लस 1 एंड x की पावर n, इन दोनों जो कोफिशियंट है उनको हम जीरो के ऊपर पुट करते हैं और वहां से हम m और c की वैल्यू निकालते हैं। और जब हम m और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे y बराबर mx प्लस c क्या लेके चल रहे हैं, पहले ये समझना जरूरी होगा क्योंकि हमने y बराबर mx प्लस c क्यों पुट किया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा कि जो क्वेश्चन थी उनमें हमने x एक्सिस के और y एक्सिस के पैरेलल तो हमने को यहां से निकल आएंगे हमारे पास एसिम्प्टोट्स, बस ऐसे एसिम्प्टोट्स जो x एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, y एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, उन इक्वेशन का उन एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर mx प्लस c। ये तो इसी से हमने y बराबर mx प्लस c इस इक्वेशन में पुट किया और दो हाईएस्ट टर्म के कोएफिशिएंट को देखा, उनको जीरो के इक्वल पुट किया, और उनको जीरो के इक्वल पुट करने पर जो हमारे पास जो m और c की जो वैल्यू आती है उनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और एसिम्प्टोट्स निकल आती है। फ्रेंड्स ऐसे कुछ और स्पेशल केस होंगे जिनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने सिर्फ एक सिंपल सा केस लिया है कि जब इस तरह से हम एसिम्प्टोट्स निकाल पाते हैं। कुछ स्पेशल केस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4xy स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब फिर इस इक्वेशन के हमें एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, तो इस इक्वेशन के एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम हाईएस्ट टर्म हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर हाईएस्ट क्या है क्यू, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, यानी कि हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो वाई एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यह इसका मतलब है जो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होगी। बट अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट एक्स आ जाता तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते और एक्स इक्वल टू जीरो एक एसिम्प्टोट्स हो जाती। सपोज यहाँ की यहाँ पे प्लस एक्स वाई क्यूब दे देता, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे हम जीरो पुट करते एक्स बराबर जीरो, इसकी एक एसिम्प्टोट्स हो जाती। तो इस तरह से हम एसिम्प्टोट्स इसकी निकाल सकते थे। तो यहाँ से हमें ये तो शो हो गया क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म टर्म ऑफ एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट, सो देयर आर नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहां से ये तो हुआ है कि हमारे पास कोई भी एसिम्प्टोट्स एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसमें एक्स बराबर सॉरी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पुट करते हैं। सेकंड कंडीशन है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इस तरह के एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पुट करते हैं। तो यहां से हम जब पुट करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 4x क्यूब माइनस
यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और एम एक्स प्लस सी, अब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस फोर एक्स एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का क्यूब प्लस, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर हाँ वाई प्लस एम एक्स, सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो जाएगा टू एक्स वाई प्लस एम एक्स और ये हो जाएगा माइनस सेव, और यहाँ पे माइनस वाई प्लस एम एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हम देखेंगे एक्स के कोफिशिएंट, तो एक्स के कोफिशिएंट हम देखते हैं तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, ये हो गया फोर एक्स क्यूब, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहां से आएगा माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स क्यूब सॉरी एम एक्स क्यूब और यहां से सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अगर हम यहां से देखें तो यहां से इसको हो जाएगा ये माइनस फोर एक्स, और यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा एम एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें हमें एक्स माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई करना है तो माइनस फोर एक्स क्यूब एम स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर और सी एम सी एम, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस फोर एक्स सी स्क्वायर, ये हो गया। अब हम यहां पे देखें तो यहां पे अगर ओपन करें तो यहां से ओपन हो जाएगा ये प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस थ्री एम एक्स थ्री एम स्क्वायर एक्स सी प्लस थ्री एम एक्स सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, और अब जब इसको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है थ्री एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइन यहां पे प्लस है ये माइनस प्लस प्लस, यहां पे जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस टू एम एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहां पे हम देखें तो ये हो जाएगा थ्री, तो यहां पे देखना है हमें लास्ट वाली टर्म देखनी है तो इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। तो बस ये क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स की हाईएस्ट टर्म क्या है क्यूब और सेकंड हाईएस्ट टर्म क्या है स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट लेने हैं और उनको जीरो के ऊपर पुट करना है। तो यहां से हमें अगर एक्स का कोफिशिएंट देखें तो फोर और एक्स क्यूब माइनस एम, यहां पे देखें तो यहां पे माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर, और यहां पे एक्स स्क्वायर है यहां पे एक्स, यहां पे प्लस एम क्यूब, और यहां पे अगर देखें तो थ्री एम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये एक्स है ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है कहीं भी और नहीं है ये इक्वल टू जीरो। और सेकंड अगर हम देखें तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस सी एन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस सी, और यहां से देखें तो माइनस फोर सी एम माइनस फोर सी एम, और यहां से अगर देखें तो माइनस फोर सॉरी यहां से अगर कोफिशिएंट आएगा नहीं एक्स स्क्वायर का, यहां से देखें तो यहां से नहीं यहां से आएगा प्लस थ्री एम स्क्वायर, ये हो गया। यहां से कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा यहां से नहीं आएगा यहां से आएगा प्लस थ्री, यहां से नहीं आएगा कोई कोफिशिएंट टू एक्स वाई था क्या टू एक्स वाई, तो इसमें भी तो फ्रेंड्स हमें पुट करना है वाई प्लस एम एक्स वाई प्लस एम एक्स, तो यहां से भी हमारे पास कोफिशिएंट जो आएगा वो आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर,
प्लस टू एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ से अगर देखें तो प्लस टू एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आ रहा है, या तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी मैंने, यहाँ लिखना भूल गया था वाई टू एक्स, तो वो तो उससे आया था। हाँ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर एक और बार आ जाएगा, तो ये हाँ। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ से देखें आपको कोफिशिएंट, तो यहाँ पे माइनस का साइन था, अगर आप क्वेश्चन याद हो तो आपको वाई स्क्वायर जो था वो माइनस में था, तो वाई स्क्वायर माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से कोफिशिएंट आएगा ये माइनस टू एम एक्स वाई, माइनस टू एक्स वाई, सॉरी माइनस टू एम स्क्वायर, तो यहाँ माइनस टू एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो फिर इस तरह से ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गए, और आप देख सकते हो सकता है कि मिस्टेक हो यहाँ पे, मैंने कहीं जो ओपन करने में प्लस या माइनस के साइन में कहीं मिस्टेक कर दी हो, आप देख सकते हो वहां से। अब अगर यहाँ से हम चाहें तो एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो m बराबर 1 पुट करें तो 1 माइनस 4 माइनस 1 4, यानी कि ये m बराबर 1 पे क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां से हम हो सकता है m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 3 m स्क्वायर, इस क्वेश्चन को मैं ऑर्डर में डिवाइड कर रहा हूँ, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 3 m स्क्वायर प्लस 3 m, यहां से हुए माइनस फोर एम माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि मुझे एम माइनस वन कोफिशिएंट लेना है इसमें, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर कॉमन लिया तो एम माइनस वन माइनस थ्री एम कॉमन लिया तो एम माइनस वन और माइनस प्लस फ्रेंड्स माइनस एम कॉम फोर कॉमन लिया एम माइनस वन, तो यहां से बन गया हमारे पास एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस फोर एंड एम माइनस वन, तो यहां से हुआ हमारे पास एम। इसको देखें तो ये हमारे पास इसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं, एम माइनस फोर एंड एम प्लस वन, इसको ओपन कर सकते हैं यहां से, और ये एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारे पास आ गया एम बराबर वन माइनस वन एंड फोर, यानी एम के ये तीन टर्म हमारे पास आ चुकी हैं। अब फ्रेंड्स ये एम की वैल्यूज के हेल्प से यहां से अगर हम देखें यहां से, तो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सी जो है यहां पर है और कहीं नहीं है, सी और यहां पर है, तो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हम सी की वैल्यू जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, और साथ में हम कह रहे थे एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट लेना है फ्रेंड्स, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, बल्कि जो इक्वेशन में जो बची थी वो एम की एम वाली टर्म आएंगी, जैसे एम स्क्वायर हो गया एम था यहाँ या यहाँ पे जो था वो एम वाली टर्म आएंगी, ना कि एक्स वाली टर्म। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली एक टर्म आ जाएगी जिससे हम सी इक्वल टू कुछ वैल्यू निकाल देंगे, तो एम की जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे वहां से सी की वैल्यू निकलती हुई आएंगी। अब जो भी वैल्यू निकलती आएंगी, क्योंकि मैंने मिस्टेक किया तो मैं यहाँ से अभी पीछे जाना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन यहाँ से नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट एग्जांपल में अच्छे से एग्जांपल कर दूँ एक्सप्लेन कर दूंगा कि सी की वैल्यू में मेरी जो मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ एक्स को लिखा था जबकि एक्स कोफिशिएंट को लिखना था, ये हो गया। स्टार्टिंग में हम एक्स कोफिशिएंट लिख रहे थे फ्रेंड्स, जब ये हो जाएगा तो हमारे पास एम और सी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, जैसे एम बराबर वन पे सी की वैल्यू सपोज की जीरो आ जाए, जीरो वैसे आने के चांस है नहीं, क्योंकि जीरो आने का मतलब है फ्रेंड्स जो एसिम्प्टोट्स है वो एक्सिस किसी एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। हाँ आ भी सकते हैं क्योंकि जीरो, हाँ एम बराबर जीरो नहीं आएगा फ्रेंड्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी सी बराबर जीरो आ जाता है, वाई बराबर एक्स, यानी जो ओरिजिन से जाएगी कुछ टू एक्स थ्री एक्स या एम की जो भी वैल्यू होगी, जैसे एम बराबर वन पे हम जीरो मान रहे हैं, एम बराबर वन पे सपोज वन, एम बराबर वन पे सी बराबर जीरो आ जाता है, तो वाई बराबर
एक्स यानी जो लेंथ जो एसम्प्टोट से वो वाई बराबर एक्स लेंथ जीरो जीरो से जाएगी, बट लेंथ जीरो जीरो से जाएगी और इनफाइनाइट पे टच करेगी। अगर हमारे पास सी नॉट इक्वल टू जीरो आता है, सी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है हमारे पास जो एसम्प्टोट्स है वो ओरिजिन से होकर नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ से वैल्यू एम की अलग अलग वैल्यू के लिए जो इक्वेशन थी उसमें सी के अलग अलग वैल्यू के लिए पुट करके हम तीन इक्वेशन इनकी अलग अलग वैल्यू के लिए सी की अलग अलग वैल्यू आएगी और वहां से तीन एसम्प्टोट्स हमारे पास आ जाएंगी। तो फिर इस तरह से हम एसम्प्टोट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जो ये मेरी मिस्टेक हुई है इस मिस्टेक को भी क्लियर करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।